हेलो दोस्तों, सभी को नया वीडियो में स्वागत है। और आज की टॉपिक है लाइट एंड शैडो। वो जो लाइट एंड शैडो आते हैं, वो सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, एक्चुअल टाइमिंग्स के अंदर वो डिपेंड करता है कैसे वो लाइट आते हैं। वो लाइट लेकर के हम बहुत सारी बात करेंगे आपके साथ। और एक बात है, ये पर्सपेक्टिव की बात है। ये एक घर है और घर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर पड़े हैं, तो मैं दिखाऊंगा। और लाइट एंड शैडो कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और लाइट एंड शैडो के अंदर जो ट्विस्ट मेरा पेंटिंग पे रहते हैं, आपके साथ आज शेयर कर रही हो। और पर्सपेक्टिव एक्चुअल कैसे देखते हैं हम दिखाते हैं। देखो, दोनों साइड से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे ये घर की ऊपर मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं अभी। और एक चीज़ मैं ऐसे कुछ दिखा रही हूँ, आपको समझ में शायद आएगा। इस साइड पे देखो, जो जो लाइन पर्सपेक्टिव पे है वो दिख रहा है आप सबको, है ना। चलो, ऐसे मैंने लाइन पर्सपेक्टिव पे रखा है, उसके बाद मैं कलर कर रही हूँ और गीला करके मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ येलो ओकर सिर्फ। और येलो ओकर सिर्फ देखो मिडिल पार्ट पे थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद ऐसे मैंने अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो जो फोकल पार्ट है, लाइट की जो प्रेशर है वहीं पे ज़्यादा रहे, तो इसीलिए मैंने वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा वाइट छोड़ करके येलो कर मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि ब्राइट पार्ट पे ज़्यादा फोकल इफेक्ट आएगा, तो इसीलिए सिर्फ। ठीक है, चलो चलते, देखते रहो। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आप सबको पता है, मधुसूदन दास वाटर कलर पेंटिंग चैनल का नाम। और लाइक शेयर करो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब क्लास की आपके साथ शेयर कर रही है इसीलिए, थोड़ा चैनल ग्रोथ हो जाए तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और सब स्टूडेंट के मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी शेयर कर सकते हो दूसरी के साथ, क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते रहो ऐसे। तो पहले येलो करके बाद मैंने ब्राउन साना यूज़ किया है, और घास पत्ते के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ सैफ ग्रीन। और सैफ ग्रीन के बाद मैं थोड़ा सा शेडो के अंदर आ जाऊँगा, और उसके बाद वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ और भी कलर देना चाहिए, मैं दे देती हूँ।
और देख रहे हो मेरा पैलेट, और पैलेट के अंदर मैंने ले रही हूँ अभी वो जो अल्टरमेरिन ब्लू, उसके साथ मैं थोड़ा ब्रांड सोना और मिक्स कर रही हूँ कि क्रिम्सन लेक, तीनों कलर मिक्स करके एक ग्रेज टाइप का कलर यूज़ करूँगा और यहीं से स्टार्ट करूँगा शैडो के तरफ। और इस शैडो के लिए कलर आपकी हिसाब से बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं कि ये जो कलर कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक बात है कि लैंड की जो गीला टाइप की जो पेपर करके रखे हो आपने, तो वो गीला कितना टाइम के अंदर आप इफ़ अप्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से आपका वो शैडो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप उसी के हिसाब से। और थोड़ा टाइम ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए लैंड की जो वेदर, और ज़्यादा सूखने मत दो क्योंकि पहले पहले एक दो तीन खराब गंदा होगा, लेकिन एक दो कटने के बाद आपको शायद क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करने से अच्छा होगा। पहले मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअल शैडो के साथ मैं जुड़ी हूँ 2014 से मैं कर रही हूँ शैडो, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंटली काम करते करते वो आ गया मेरा हिसाब से। और देखो ये शैडो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो नया जो फॉर्म है ये सिर्फ आप ही के लिए ही बनाई हूँ मैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और ये जो शैडो है, शैडो लैंड की दूसरी बार शैडो की ऊपर ब्रास नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसका जो ब्यूटी होता है, ब्यूटी मतलब कि उसका जो स्पेडिंग, जो कलर की स्ट्रक्चर और ब्यूटीनेस होते हैं, तो वो मत बिगड़ने दो, क्योंकि उसके ऊपर एक बार ब्रश अप्लाई करोगे तो उसका जो ब्यूटी है वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक बार से कम करने तो बेटर रहेगा, वही कोशिश करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो घर की जो शैडोज है, क्या शैडो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद मैं स्काई की कलर करूँगा। और देखते रहो कि मैं कैसे घर की जो उल्टी तरफ जो शैडो वो कैसे कर रही हूँ। देखो कभी कभी एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि आपका अगले कुछ पेड़ था, पेड़ के पत्ते की शैडो वो घर के ऊपर पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने एक साथ अप्लाई कर रही हूँ शैडो। और शैडो यही हिसाब से आप अप्लाई करो कि पत्ता की जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप की। और मेरा कभी कभी वो जो ऑफ जगह जो हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो उसी जगह में थोड़ा शैडो निकल रही है अभी। तो ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहीं पे, तो शैडो कहाँ कहाँ छोड़ना है, कहाँ अप्लाई करना है, वही सब करके अब अप्लाई करो तो अच्छा लगेगा, ठीक है, मज़ा भी आएगा।
और शैडो के बाद मैं कर रही हूँ कि जो तो ज़्यादा डार्क है कभी कभी कहाँ मैं देखती हूँ, तो वही हिसाब से डार्क भी अप्लाई कर रही हूँ उसी की बराबर, क्योंकि अंदर कभी कभी डार्क ज़्यादा दिखते हैं, तो इसीलिए मैं वही हिसाब से कर रही हूँ और देखते रहो। और स्काई की जो बात कर रहा था, देखो स्काई की वो ग्रे कलर की एक कलर बना करके मैं अप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैं अल्टरमेंट के साथ प्रूसियन ब्लू मिक्स करके मैं दूसरी कलर जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसी हिसाब से क्या हो गया कि आपका जो लाइट एंड शैडो की जो फंडा है और भी टेस्टफुल बनेगा, और ये जो लाइट पार्ट है लाइट पार्ट के ऊपर और भी टेस्टफुल लगेगा, तो इसीलिए मैंने यही ऐसे यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो चलते और नेक्स्ट और कुछ कलर अप्लाई करती हूँ, देखते हैं कुछ ऐसे करके और भी कर सकते हैं, क्योंकि दूर की एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो बनाना चाहिए। और यही का जो गाज पत्ते जो है वो बना रही हूँ अभी। और अभी ऐसा करते कि आप सबको अच्छा लगे वीडियो, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके आपका जो बात कहना है आप कह सकते हैं मेरे साथ, और मैं बहुत सारी ऐसे वीडियो लेकर के आऊँगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने भी वीडियो आप देखना चाहोगे और दिखाऊँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और बहुत ही एडवेंचर टाइप की वो आउटडोर करने का जो होता है ना, कि उसी की हिसाब से कैसे
एक्चुअल जाना है आउटडोर, और जाने के बाद कैसे वो सिस्टम होते हैं, कैसे मेंटेन करना पड़ता है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। और इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है, और दूसरी के साथ शेयर करो। टाटा। Thank you.